पूछो जी, क्या प्रश्न था आपने जानो का था? मुझे याद दिलाओ, मुझे याद नहीं है क्या क्वेश्चन था वो। नाभि को कैसे कंट्रोल करें और माइक्रोकॉस्म से आगे किस तरीके से बढ़े, माइक्रोसॉफ्ट में मैनिफेस्ट करने से आगे कैसे बढ़े। इन्होंने पूछा जी कि नाभि को कैसे कंट्रोल करें। एक मजेदार बात समझ लेनी है कि बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करूं, अपने जीवन के अंदर अपनी हर चीज की स्थिति को काबू कैसे करूं, अपने दिमाग को इधर उधर भागने से कैसे रोकूं, बच्चों को कैसे कंट्रोल करूं, धन को कंट्रोल कैसे करूं। तो हमारी सोच सबसे बड़ी गलत यहां ये है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसे कंट्रोल करने के चक्कर में रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कंट्रोल, हमारा जो मुन्ना है मन, वो भाग्य देता है 12% फिक्स, जिसके कारण हमारा 100% जीवन चलता है। कई बार ये फिक्स्ड होता है। इसको कंट्रोल करने का मतलब हुआ इससे लड़ना एंड हारना भी। जितने लोग ये सोच रहे हैं कि मैं नौकरी के लिए जा रहा हूं, लक क्यों नहीं रही, कोई रोक रहा है? आप अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, सफल नहीं हो रहे, कोई रोक रहा है? कोई कौन है? प्रकृति रोक रही है, भगवान रोक रहा है, किस्मत रोक रही है, कोई तो रोक रहा है। तो उससे लड़ तो आप सकते नहीं है, तो लड़ना नहीं है। एक मूवी देखें आप, किस पे है यार, लाइन्स के पे है। मैं फिल्में बताता रहूंगा। K13 विडोमेकर, द विडोमेकर ना भी देखे, मैं स्टोरी बता दूंगा। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं मैंने देखी है। हाई वैल्यू स्टार कास्ट है। एक रशियन सबमरीन है, अब वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाई गई है, जिसको एक नए कैप्टन को दिया गया है। तो एक नया कैप्टन मिला है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैप्टन के ऊपर। सबमरीन होती है पनडुब्बी, उस पनडुब्बी के कैप्टन के ऊपर एक और कैप्टन रख दिया गया है। अब जो पुराना कैप्टन है उससे सब प्यार करते हैं, जितना बड़ा क्रू है 2-4-500 लोगों का, और उसको ऐसा समझते हैं फैमिली। अब वो कैप्टन बहुत मैच्योर है और वो देख रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये रियल घटना पे, रियल लाइफ स्टोरी है, हिंदी में है। तो उसमें जो बड़ा कैप्टन रखा गया है वो कम्युनिस्ट लोगों के पास, लीडर के पास बहुत क्लोज है, और वो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। वो जब भी कोई काम करता है हमेशा कहता है ये करो, ऐसा करो, वैसे करो। तो धीरे धीरे सब लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं, और घटनाक्रम इस प्रकार घूमता है कि उस कैप्टन को शिप के लोग बंदी बनाते हैं। मैं बहुत छोटे तौर पे स्टोरी का सत्यानाश करके बता रहा हूँ। उसको बंदी बनाते हैं, तो वापस जो पुराना कैप्टन जब कैप्टन बनता है, तो जिन लोगों ने शिप के अंदर ही उसको युद्धबंदी बनाया होता है, उनको भी गिरफ्तार करा लेता है, जैसे वो खुद कैप्टन बनता है, और कहता है कि ये तुम्हारा कैप्टन बना था, इसकी इज्जत करो, इसने तुमसे जिद्दबाजी की, इसकी वजह से लड़ो मत, इसको बहुत एक्सपीरियंस है। तो अब उनके पास कुछ ऐसा हालात बनते हैं कि वो सबमरीन फटने वाली है और न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च हो जाएंगे, अमेरिका से युद्ध हो जाएगा। ये सत्य घटना है, सच में हुआ था। तो वो कैप्टन, जो पुराना कैप्टन जो पहले से था, उसके ऊपर नए कैप्टन को दोबारा से जब वो माइक देता है, तो नया कैप्टन हैरान होता है कि यार तुम्हारे को सारे लाइक करते हैं और तुम खुद ही मुझे फिर कैप्टन बना रहे हो। तो उसके चेहरे को देख के वो कहता है कि कैप्टन इनको बताओ मत, इनसे पूछो। ये पूरी फिल्म का सार है। आप बच्चे को बताओ मत, उससे पूछो। पत्नी को बताओ मत, उससे पूछो। अपनी नौकरी के बारे में बताओ मत, उससे बारे में पूछो। आपको जॉब चाहिए, क्या आपकी जॉब को भी आप चाहिए? अपने माता पिता को बताओ मत, उनसे पूछो। तो वो पहले का वाला कैप्टन होता तो वो कहता कि पनडुब्बी को इतनी सतह पे ले चलो, यहां ये कर लो, वहां वो कर लो, हम इसको डुबो देंगे। उल्टा वो ऐसे बोलता है कि अब हमारे पास बहुत विकट सिचुएशन है, अब हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है। अमेरिका की शिप हमारे शिप के पास है, हमें डुबोने के लिए तैयार है, और हम वैसे भी खुद ब्लास्ट हो गए तो रशिया और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल तक जाएंगी, ब्लास्ट हो जाएगा, थोड़ी देर के अंदर टेम्परेचर 1000 डिग्री आ जाएगा, तो हम क्या करें। तो उल्टा वो पूछ रहा है। तो 10 यूनिट होते हैं सबमरीन के अंदर, सारे के सारे यूनिट कहते हैं रेडी एट योर कमांड 1, रेडी एट योर कमांड 2, कि जैसे आप बोलोगे करेंगे। अब आपके घर में बच्चा है, पति है, पत्नी है, रिश्तेदार है, काम वाले हैं, हम अक्सर ऐसा कहते हैं चलो ब्रेड लेकर आ। मुन्ना अंदर से प्रोग्रामड है, हमारा ब्रेन प्रोग्रामड है, ओए मुझे बोल कैसे दिया। हमारे अंदर नेचुरल रेजिस्टेंस है, प्रकृति ने नेचुरल रेजिस्टेंस दी है, यानी कि मुझे बता कैसे दिया, तूने बोला कैसे मुझे। तो आपको बोलना कैसे है बच्चे के आगे, घर में ब्रेड नहीं क्या करें। वो पत्नी बड़ी सुगढ़ और बड़ी चतुर होती है, जो पति को कहती है सुनो बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या हो गया? पति कहता प्रोटेक्टर ऑन हो गया उसका, प्रोटेक्टर बचाने वाला, मैं ठीक करता हूं, बता तू, मैं ठीक करता हूं, और वो उसकी गुलामी करेगा मजे में। अब उल्टा वो उसे बोलती है मुझे नहीं पता मुझे ये चाहिए। वो कहता है तेरी ऐसी तैसी गर्लफ्रेंड ही अच्छी थी, पत्नी से तो खून ही पिलवाया मैंने। किसी को बताया जाए किसी को पसंद नहीं आता। जब हम एक छोटा सा थॉट इम्प्लांट करते हैं थर्ड आई पे, ये थर्ड आई पे छोटा सा थॉट आता है मुझे मकान चाहिए, मकान चाहिए, कमांड गलत हो गई। आप थर्ड आई को बता नहीं सकते कि मुझे मकान चाहिए,
पूछे क्या मकान चाहिए मुझे, पूछना भी नहीं है क्या मकान चाहिए आपको। यही सारा का सारा खेल है जो प्रीलिविंग अनवांटेड वांट, समय मिला तो इसको खींचेंगे कहीं और बढ़ती है क्लास, नहीं तो हमें मकान चाहिए, हमें मकान क्यों चाहिए पहले जानना। हमारा मकान हमारी नीड है, वांट है, लग्जरी है, शोषा है, ये मकान नहीं है, ये जॉब है, विवाह है, प्रेम है, पैसा है, सब कुछ यह डाल सकते हैं। हमें ये चाहिए, हमें क्यों चाहिए, जो जो चीज तो हमें नीड के तौर पे चाहिए वो तो सारी मिलेगी ही मिलेगी। और नीड के लिए आप सीधी सी बात समझ लें, आप क्या करते हैं, बोला छोड़ दी, वो तो हो गई, वो तो होएगा ही, वो तो फाइट ही नहीं है, सांस आएगी। ये कह रहे हैं बच्चे लग्जरी को नीड बना लेते हैं, उनकी लग्जरी वाली नीड पूरी होगी। आपने कहा बच्चे लग्जरी को नीड बनाते हैं, ये आपका ब्रेन कह रहा है कि एसी चलाना 24 घंटे लग्जरी है, उनका ब्रेन कह रहा है 24 घंटे एसी चलाना ये कौन सा क्वेश्चन है, वो तो चलेगा ही, घर में लगा क्यों है, इसलिए उनके रूम का एसी खराब नहीं होगा, आपका हो जाएगा जिसे आप कम चलाते हैं। हमारे जीवन में हमने चाहना कैसे है, कितना चाहते हैं, कितनी देर चाहते हैं, माइक्रोकॉस्म में इतना सा यार एक मकान हो जाएगा, चलो देखते हैं, मकान चाहिए, मकान मांग लो, मकान बढ़िया रहेगा यार, चलो हो जाएगा, कोई खत्म हो गई बात, खत्म खत्म ही हो गई और है ही कुछ नहीं, सांस आ रहा है चल रहा है ठीक है खत्म, सूरज आएगा आ जाएगा। कितनी देर चाहते हो आप सूरज आए जाए, कितनी देर चाहते हो सांस चले, हम चाहते ही नहीं एक्चुअली, हम प्रोग्रामिंग करते ही नहीं एक्चुअली, स्वतः होता है, इसे कहते हैं सहज। सहज का एग्जाम्पल क्या है, आपकी लाइफ में एक चीज आई आपके पास, आपके माइंड ने प्रोसेसिंग शुरू कर दी, यार ठीक रहेगा या गलत रहेगा, सब बढ़िया है यार, पता नहीं कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, हमें क्या लेना देना। जैसे ही वो चीज आपके पास और करीब आती है, चाहे आपके लिए प्रेम है, चाहे पैसा है, आप लोग लोगों को देखेंगे पैसा चाहिए पैसा चाहिए, पैसा आने के बाद वो क्या करते हैं, असली औकात पे आ जाते हैं, चार लोगों का नाश पीट देते हैं, 20 लोगों के आगे घमंड करते हैं, उन्हें पैसा नहीं उन्हें शोषा चाहिए था, और वो पैसा उनका फिर नाश कर देता है। हमारे जीवन के अंदर हमने जो भी चाहा है वो चाहा नहीं है, वो चाहा ही नहीं है ऐसा लग रहा है, बस सोचा विचार आया फिर सारे काम हो जाएंगे, वो सारे काम होंगे। मजे की बात क्या होगी, होने के बाद आपने अहंकार किया फिर छिन जाएगा। आप इतने सहज होने चाहिए, सहज हो गया ठीक है, बिल्डिंग बन गई, मकान आ गया, गाड़ी बन गई, ठीक है इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। हम सहज क्यों नहीं हो पाते, इसके पीछे एक बहुत भारी समस्या आजकल की, वो है स्पीड। आज हमारे पास सारे यंत्र, टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा, सारे यंत्र बहुत फास्ट स्पीड के हैं, बहुत ज्यादा स्पीड वाले हैं, गेम्स खेलते हैं बच्चे, बहुत फास्ट चलते हैं। मेडिटेशन को आज बहुत प्रमोट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इसलिए कि ब्रेन को शांत करो, चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत करो को करो। हम कुछ मत करो को करते हैं, हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, इसलिए मेडिटेट ना कर सको कोई बात नहीं, ब्रेन को शांत करो, स्लो करो। रातों को नींद क्यों नहीं आती, अक्सर बूढ़े लोग इससे परेशान है, अब तो बेटा 3-4 घंटे ही सोते हैं, अब कहां बुढ़ापा नींद आ गई, आपको पता नहीं है आप 3 बजे सोते हो रात को, आपको बच्चा भी 3 बजे ही सोता है, अभी उम्र छोटी है इसलिए वो 8 घंटे सोता है, 9 घंटे, आपको कलेश होता है 12 बजे तक उठते हो तुम सो के, तुम क्या करोगे बड़े होके, और तुम्हें ये नहीं पता कि बड़े होके क्या, वो रात 3 नहीं 4 नहीं 5 आपको सारी रात काम करेगा, बच्चे सारी रात काम करते हैं। ब्रेन की स्पीड इतनी फास्ट होती है, सोने से ठीक पहले गेम खेल रहे हैं, बार बार व्हाट्सएप चल रहा है, बार बार कोई गेम देख रहे हैं टीवी के ऊपर, फोन पे देख लिया, किसी से गप्पे चल रही हैं, कहीं ना कहीं चैटिंग चल रही है, ब्रेन फास्ट है, वो सोएगा कैसे खाक, वो बीटा वेव्स पे है, वो सो नहीं पा रहा। अब ब्रेन को 3-4-5 साल की प्रैक्टिस हो गई बहुत स्पीड की, चूंकि स्पीड की प्रैक्टिस हो गई तो उसके पास पेशेंस नहीं है, पेशेंस उड़ गई। अब इस दौरान में उसने इतनी फास्ट स्पीड की ब्रेन से बहुत जल्दी पैसा, गाड़ी, मकान, चीजें, रुतबा, नाम सब बना लिया, और 5 से 10 साल के बाद उसने किसी आश्रम को भी ज्वाइन कर लेना है, पक्की गारंटी, क्योंकि उसका ब्रेन फटेगा, उसको 10 बीमारियां लगेगी। शुगर बीपी एक फ्री गिफ्ट है आजकल, क्यों चल रही है, क्योंकि ब्रेन की स्पीड बहुत फास्ट है। 10 साल बाद वो घर वालों को नहीं पूछते, प्रेम रहता नहीं, कहां धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, दारूबाजी, अय्याशी, दारू पी रहे हो एंजॉय करो, सिगरेट पी रहे हो एंजॉय करो, नाश पीट रहे हो बर्बाद कर दिया, आप नहीं पी रहे हो और फालतू के चक्करों में लगे हो, वो भी नाश ही पीट दिया, आपके ब्रेन की स्पीड आपके शरीर को खराब कर देगी, और वो शरीर खराब होने के पश्चात आप सारा जो पैसा कमाओ उसकी कीमत इसी में दोगे कि शरीर की बीमारियां ही बीमारियां, कष्ट ही कष्ट, क्योंकि आप सहज नहीं हो। सहज व्यक्ति सिर्फ वो है जिसको पेशेंस है, और पेशेंस होने के बाद सहज होके यूं ही मकान मांग लिया मिल गया, यूं ही नौकरी सोच डाली बन गई, यूं ही ठीक कर लिया शरीर ठीक हो गया, इसे चमत्कार कहते हैं।
इसे चमत्कार कहते हैं। फिर आप सिर्फ एक बटन दबाते हो और पूरी मशीन चल बैठती है। हमारा क्लेश है, हमें बटन दबाना आता नहीं, हम मारे मारे फिर रहे हैं। आप बहुत बड़ी विराट चीज बनाने के लिए इतना सा बीज लगाओ, इतना सा बीज। बहुत बड़ा आम का वृक्ष लगाना है, इतना सा ही बीज चाहिए, छोटा सा। बस अब उसको हवा पानी देना प्रॉपर, यानी कि उसको लगा दिया, रोज रोज खोद के देखना नहीं है क्या हुआ, नेवर चेक। आपके जीवन की जो इच्छा है, जो कामना है, उसको पहले देखो वो जरूरत कितनी बनी। वो जरूरत बनी, आने के बाद क्या अहंकार बनेगा उससे, या संतोष मिलेगा? संतोष मिलेगा, हो गई। अहंकार बनेगा नहीं। छोटी छोटी चीजें क्यों हो जाती हैं? हो जाती हैं, जरा सी सोची हुई, लोग कहते हैं अरे वाह यार कमाल यार है, कमाल है। अचंभा सा होता है, खुशी होती है। अहंकार वहंकार कुछ नहीं, कुछ अहंकार वाला करके दिखाओ। जो इंसान ये पचा गया कि मेरे पास 10 करोड़ का मकान भी आया तो मुझे कोई फर्क ना पड़ता, उसका बन जाएगा। आपका जितने के मकान से फर्क नहीं पड़ता उतने का बन जाएगा, जितने की नौकरी से फर्क नहीं पड़ता उतने की लग जाएगी। अपने आप होता है ये, क्योंकि आपने सूक्ष्म जगत में चाहा है। सूक्ष्म जगत में चाहना, यही हमारा फर्क आता है प्री लिविंग का, अनवांटेड वांट का। ये बहुत लंबा टॉपिक है। और तीसरा था क्या? मैनिफेस्टेशन। एक चीज तो हम चाहते हैं कि हो, मैनिफेस्टेशन हो, प्री लिविंग अनवांटेड वांट ना हो। ये कह रहे हैं हम चाहते हैं मैनिफेस्टेशन हो, प्री लिविंग अनवांटेड वांट ना हो। आप जो चाहते हो नहीं हो वो तो होएगा ही। ये भी आपने सिखाया, इसलिए नो नहीं बोलना। नो, आप और मैं बाहर जाते हैं 10 दिन साथ रहेंगे और नो नो बोलते रहेंगे एक दूसरे को। 11वें दिन यहाँ पे तो कत्ल कर ही चुकेंगे एक दूसरे का और शक्ल नहीं देखेंगे एक दूसरे को। नो 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 नो, बोलो हाँ हाँ हाँ, मर मर मर, खत्म। अक्सर ऐसा होता है, कोई बड़े बुजुर्ग मेरे पास आते हैं, बड़े दुखी हैं जी, बड़े परेशान है, साथ में बहू बैठी है, बेटा बैठा, वो रो पड़े। पापा जी कहते हैं अब जाने का टाइम आ गया, मेरा दुखी है बड़े। मैंने कहा हाँ तो कौन सा गलत कह रहे हैं, जाने दो, रो पिट क्यों रहे हो? पापा जी कह रहे हैं मैं मरने वाला हूँ। बच्चे कह रहे हैं हाय ना मरे ना मरे। जरूर मरेंगे और सड़ सड़ के मरेंगे। मैंने कहा मैं क्या किया? मैंने कहा हाँ मर जाएंगे। बच्चों ने फटाफट प्रिलीव कर लिया, हाँ मर ही जाएंगे, अब ना मरेंगे। पावर देखिए मनुष्य की, बुद्धि की शक्ति कितनी प्रबल, कितनी गजब है। ना होगी, जा लेने दो, जी लेने दो। सहज, सहजता में सारा कुछ नष्ट हो जाता है। ओ यार बॉयफ्रेंड वाली बात तो बताई, सारे भूल जाओ। रीलिविंग भी तो फीलिंग से हो रही है ना, जो जिस सिचुएशन में बात चल रही है उसमें जैसा अभी करते हैं प्रीलिविंग की फीलिंग करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात है, देखो भाई साहब इसमें ना भाई साहब सारी लड़कियां मेरा खून कर देंगे कि नहीं बताया तो। हाँ ये बात बताओ, गर्लफ्रेंड कुछ कुछ ऐसे पुरुष भी जो खत्म कर देंगे क्योंकि गर्लफ्रेंड के नहीं बताया। हाँ तो ऐसे नहीं होता, ये बेमानी है। पहले मैं कहानी सुना दूँ, कहानी आ गई भी तिरस्त में मुझे, कि आपको सहज सहज जानना बहुत जरूरी है। सहज का मतलब है जो हो रहा होने दो। एक छोटा बच्चा अपने भाई के साथ ट्रेन में कूद रहा है, फांद रहा है, खेल रहा है, हल्ला मचा रहा है और वो शैतानी कर रहे हैं, इधर छलांग उधर छलांग। यात्री बैठे हुए हैं, बड़ी देर सह रहे हैं, क्या यार साला ये पता नहीं कहाँ दो धमी राक्षस आ गए, आला पता नहीं कहाँ इनके माँ बाप मर रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15-20 मिनट बाद ये मन हो गया इन सालों की मुंडी मोड़ दें, खत्म कर दें, पागल कर रखा है उन्होंने, सोने दे रहे, उड़दंग मचा रखा है और बच्चे खेल खिला रहे। बच्चे इतने सहज हैं, इतने मस्त हैं कि उन्हें परवाह ही नहीं क्या हो रहा है। 2 कूपे के बाद देख डाला किसी ने ढूंढ ढांड के, यहाँ बाप बैठा है इनका, और बाप बड़ी शांति से बैठा देख रहा है बच्चों को ना, खेलते कूदते बीच बीच में बच्चे उसे देख रहे हैं, वो स्माइल कर देता है, हाँ ठीक है बेटा खेलो, और बड़ी गहरी सोच में है। 5 मिनट देखने के बाद एक बाऊजी खड़े हुए बोले, भाई साहब बड़ी हिम्मत करके बोल रहे, बोलना नहीं चाहिए है तो, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं लेकिन उधम मचा रखा है। आप क्या सोच रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं उन्हें, बोलो ना क्या कुछ तो मतलब समझो। बोले जी बड़ी देर से मैं भी हिम्मत जुटा रहा हूँ, क्या बोलूँ कैसे बोलूँ। बोले इसमें हिम्मत जुटाने की क्या बात है, बोलो इन्हें रोको। बोले जी इनकी माँ बीमार होके अपने मायके में मर गई, कल से न्यूज़ मिली है मुझे, अब इन बच्चों की टिकट करा के स्टेशन पे बिठा के इनको माँ से मिलवाने ले जा रहा हूँ, सोच ही रहा हूँ वहाँ कैसे बोलूँगा, अब तुम्हारी माँ नहीं रही बेटा, मुझे तो हुड़दंग दिख ही नहीं रहा। बोले लेकिन बच्चे शैतानी। बोले जी सहज हैं, जितनी देर रह ले, जितनी देर सहज रह ले, बाद में तो खबर सुन के क्या होगा, क्या पहाड़ टूटेगा। मैं सहजता कैसे ख़त्म करूँ, कैसे इनोसेंस ख़त्म करूँ इनकी, पता नहीं कितनी देर की है। ये खबर फैल गई सारे डब्बे में, जो लोग अभी तक यहाँ तक कल्पना कर बैठे थे कि इसके माँ बाप से लड़ मरो, ये सारे बच्चों की मुंडी घुमा दें, अब उन्हें वो बच्चे खेलते कूदते हुए खिलौने लगने लगे कि चलो यार कोई बात नहीं। कितना भारी पहाड़ इनके जीवन में आया है, माँ नहीं रही और क्या बोले, खत्म। क्या बदला, क्या बदला, आपका नजरिया ही बदल गया। आप सत्यता तो जानो, हम नाहक
क्रोध कर बैठते हैं, हम क्या करते हैं अपने माइक्रोकॉस्म में छोटा सा एक चीज को चाहा 20 थॉट साथ ठोक देते हैं, वो काम होता ही नहीं। सहज इनोसेंट होना बहुत जरूरी है, तब काम होगा। एक व्यक्ति ऑफिस के लिए निकला, आगे एक गाड़ी देखी बड़ी धीरे धीरे चल रही है, दे हॉर्न जगह ही नहीं दे रहा। सोचा पास ले जाके चिल्ला के चार गाली बकू, बोलू अले साइड हटा गाड़ी। बिल्कुल पास ले गया, पीछे लिखा था शारीरिक विकलांग, कृपया पेशेंस रखें, संयम रखें। शांत हो गया, मजे मजे ऑफिस पहुंचा, भले ही थोड़ा लेट सही। हम लोग अपने जीवन में गलती से गलती करते हैं, हम भी करते हैं। माइक्रोकॉस्म में थॉट डालने वाले व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं को माफ करना सीखना पड़ेगा। हमारे को ब्रेन की स्पीड स्लो करनी है, स्वयं को माफ करना है। ये दो काम यदि आप नहीं कर सकते तो आप कोई भी बीजारोपण नहीं कर सकते। हमने पकड़ के रखा होता है, ये हमारी खोपड़ी है, इस खोपड़ी में हमारा एक दोस्त है, मित्र है, ये हमारा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मान है, जो भी मेरी पोजीशन इत्यादि है, मान लो ये मेरे माँ बाप है, ये परमानेंट जगह बनाए बैठे हैं, परमानेंटली खोपड़ी में अटैचमेंट के धागे बंधे हुए। हम चलते फिरते जब भी किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, इन पांच लोगों के बारे में, इन पांच चीजों के बारे में कोई कुछ कह देता है, हमें माथे पे चोट लगती है, आपका ब्रेन इंजर्ड होता है। सहज व्यक्ति कहता है दफा कर, किससे जुड़ना। हमारे जीवन के हर दुख का कारण मोह है, और मोह ने जगह घेर रखी है खोपड़ी में। जब जब यह चोट लगती है ना, हमारे शरीर में वाइब्रेशन जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर आप बीमार है, सबसे पहले ढूंढो आपकी खोपड़ी में क्या क्या चीज ने घर बना रखा है, उस रिश्ते को गोली मारो। कहां गोली मारो, नहीं मारी जाती, भगवान पे छोड़ो, कितना सिंपल है। अगर नहीं छोड़ोगे, जब जब उसके बारे में, उसकी स्थिति को लेकर आपके जीवन में कुछ घटना दुर्घटना होगी, आपके अंदर बम फूटेंगे और शरीर खराब होगा, और जब ये खराब होगा ना भी डिस्टर्ब होगी, खोपड़ी चलेगी नहीं, आज्ञा चक्र मैनिफेस्ट कर नहीं पाएगा, आप जो चाहते हो होगा ही नहीं। आपने जिन जिन चीजों की जिद लगा रखी है उसे नाले में डाल दो। मुझे तो हर हाल में प्रमोशन चाहिए, यार भगवान जब देगा दे देगा। जिद वाली लोगे ऐसी जगह उठा के फेंकेगी कंपनी, वहां जाकर के आप रोगे, खुद ही रोटी बनाओगे, जिंदगी नरक हो जाएगी। लड़ो मत, नो फाइटिंग। जो भी व्यक्ति यूं ही बैठे बैठे करोड़पति बन जाते हैं, यूं ही बैठे बैठे मान सम्मान पा जाते हैं, यूं ही बैठे बैठे प्रेम पा जाते हैं, वो क्या है, वो सादे फूल है। फूल क्या करता है, कुछ नहीं करता, अपने आप ही हो रहा है। फूल खिल गया, भंवरे आ गए। फूल ने फोन नहीं किया कि यार एक सिम ले लूं एयरटेल का, हेलो भंवरो आई एम रेडी, आ रहे हो क्या, कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं करता। तो बॉयफ्रेंड किस लड़की का बनता है, जो कुछ नहीं करता। वो फूल खिल जाता है, वो लड़की सिर्फ खिल जाती है और कुछ नहीं करती है। खिल जाती है मीन्स सहज रहती है, इनोसेंट रहती है। अच्छा, किन लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं बनते, ये एक विकराल प्रश्न है। कल परसों ही मेरे पास एक आया था और पहले भी काफी टाइम से चल रहा है ये जी, शादी तो हो नहीं रही, बॉयफ्रेंड ही बन जाए। तो मैंने कहा तुम फूल बनो, स्वतः खिलो। प्रॉब्लम, कई फूलों पे भंवरे नहीं आते, क्यों, वो सेल्फ इंप्रेस्ड है। एक लड़की ने पहले ये सोच बैठा, हाय मैं कितनी सुंदर हूं, ओ बहन तेरी शादी नहीं हो रही, तेरे बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, तो सुंदर का तेरा अचार डलेगा, तेरी खोपड़ी ही तुझे सुंदर बनाए बैठी है, तू हाइपर सेल्फ इंप्रेस्ड है, दूसरा तुझे पसंद कैसे करेगा, तुमने खुद ही पसंद कर रखी है। मेरी दुकान है, मेरी दुकान में एक मैंने सूट ले रखा है, रखा हुआ, और वो सूट इतना ज्यादा खूबसूरत, इतना ज्यादा मुझे पसंद है कि मैंने कह रखा है ये बिकेगा नहीं, मेरे को बहुत पसंद है, तो बिकेगा का खाक, मैं खुद ही बेचना नहीं चाहती। मैं खुद ही अपने आप से कहता हूं या कहती हूं, हाय मेरा बस, मैं तो सबसे सुंदर हूं, आई डिजर्व समथिंग अमेजिंग। अब वो जो बहुत गजब का जो डिजर्व करती हूं मैं, वो तो एक आधी होगा। चरणों में झुक जाओ, ईश्वर मिल जाता है। शांत और स्थिर हो जाओ, सहज हो जाओ, नौकरी गोद में आके गिरेगी, मकान गोद में आके गिरेगा, पैसा गोद में आके गिरेगा। साला अरबपति बन गया दोस्त हमारा, अब यार करता क्या है, इतना पैसा आता कहां से है, उससे पूछो भाई क्या करता है। यार दरवाजा खोलता हूं, लक्ष्मी बाहर खड़ी होती है, अंदर आने को तैयार, मैं जितने आते हैं बंडल फिर बंद करता हूं, अब रुको रुको थोड़ी देर रुको, वो इकट्ठा होती रहती है। ऊपर वाले का हाथ होता है अमीर, आपको अमीर बनाने में, ऊपर वाले का हाथ होता है आपको सफल बनाने में, ऊपर वाले का हाथ होता है आपके पेट को ठीक रखने में। ऊपर वाला ये रहा, सबसे ऊपर ये है हमारा, ये है ऊपर वाला, ये है आज्ञा चक्र। इस ऊपर वाले तक पहुंचोगे कैसे, जब नीचे वाले को संतुष्ट करके छोड़, खिलाया पिलाया और दफा करो। ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना लोभ है, ना हम ओवर सेल्फ इंप्रेस्ड है, खुश है। वो जो कह ना पंजाबियों नु पता नहीं उन्होंने दी खासियत है, वो खुश ने पता नहीं क्यों, फेसबुक इंस्टाग्राम छोड़ देंगे तो खुश हो जाएंगे बच्चे, खुश। हम खोज रहे हैं अपने में कब जाएंगे, इसीलिए दूसरे को देखते रहते हैं, भाई उस बंदे ने क्या बंगला बना लिया यार, है गाड़ी देखी उसकी, उसने नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, उसने ईश्वर को कॉल लगानी सीख ली, आपने नहीं सीखी, आप कब सीखोगे, मुझे सब पता है,
अमां को ये रख लो, किसी से शिक्षा ले लो, तुम्हें नहीं पता है, पता होता तो बनी चुकी होती। अब दूसरे के आगे झुके कैसे? गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम जी, आने दो गुरु जी। जो आपने अभी बोला एक पॉइंट कि अपने आप ही चीजें हो जाती है, तो अभी अभी कुछ दिन पहले मेरा एक ऐसा काम हुआ जो कि मैं पिछले 10 साल से पूरी कोशिश कर रहा था पर नहीं हुआ, पर आपके एक लेक्चर में आपने बोला था छोड़ दो उसको, हो गया सारथी मान के छोड़ दो उसके, मैं करके देगा। तो वो किया तो काम मेरा हो गया। लो पहले तो आपको बड़ा धन्यवाद। ओ यार कमाल यार, आई डिजर्व इट यार, आई डिजर्व इट, थैंक यू। दूसरी बात ये है, 10 साल से वो दिमाग में एक कीड़े की तरह बैठा हुआ था और वो काम अचानक से हुआ, तो अब मैं यकीन नहीं आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फ्री हो गया हूँ। और मेरी वाली चीज ना बार बार दिमाग में लौट के वापस आ रही है, इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करूं? इन्होंने बोला कि इनके एक काम था, 10 साल से परेशान थे, हो नहीं रहा था, तो इन्होंने लाख क्लास देखी एक भगवान के लिए छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दी, छोड़ते ही हो गया, तो उसके लिए इन्होंने मुझे धन्यवाद भी किया। जिसने नहीं सुना, आई डिजर्व माई सेल्फ टू बी थैंक, आई थैंक माई सेल्फ, आई मतलब हो गया, काफी हो गया, ठीक है ना, इतनी देर मैंने श्रीवल्ली निकल जाएगा तो मेरा। तो इन्होंने बोला कि भाई ये बहुत कुछ हो गया, अचंभा हो गया, लेकिन अब होने के बाद मैं हैरान प्लस हूँ, ये कैसे हो गया, अब मैं करूँ क्या, मतलब टोटली फ्री हो गया, अब एंजॉय करो यार, पार्टी करो, अब इसको गति को एज इट इज रखो स्मूथ, और सोचो मत के काम होते हैं या कर किए जाते हैं, काम छोड़े जाते हैं, दान छोड़ देना होता है, दान का मतलब है छोड़ दो, दे दिया, अहंकार है, मैंने छोड़ दिया, जिसका गया जैसा गया उसके हवाले, ऐसे ईश्वर पे छोड़ दो, अब ये छोड़ना शुरू करो, और खुद क्या करो, एंजॉय करो, नहीं पता ऐसे ना पेट में अजीब सी फीलिंग हो रही है और बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ऐसा बहुत पहले हो ना होने की टेंशन हो रही थी, अब हो गया, इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। हाँ ये कह रहे पहले ना होने की टेंशन थी, अब होने का चमत्कार समझ नहीं आ रहा, चमत्कार है ही वो जो समझना है, और है क्या, अपन करते गया यार, अपन थैंक्स लेते रहते दिन भर, अपना काम गया यार, और पार्टी, अभी तो चार पिक्चर और गिनवा दूंगा जिसमें से और स्पिरिचुअल बातें निकल के आई है, यही तो एंजॉय करना है, आपकी एंजॉयमेंट खत्म नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर बचपना खत्म नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल खुश रहना चाहिए। ये अभी लॉलीपॉप वाली स्टेट में तो नहीं है? नहीं, अगले अभी लॉलीपॉप की स्टेट में आ सकते हैं, इन्होंने बोला लॉलीपॉप की स्टेट में तो नहीं है। लॉलीपॉप को समझिए क्या होता है, कोई भी काम अगर आपने प्रीलिव होने से रोकना है कि प्रीलिव ना हो जाए, क्योंकि प्रीलिव होने वाला काम कभी होता नहीं, इस पर प्रीलिविंग क्लास देखनी पड़ेगी, लंबी क्लास है, तो आपको हर चीज, हर अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है, ये सोचो लॉलीपॉप आई है, हर जॉब इंटरव्यू सोचो लॉलीपॉप है, आज पत्नी स्माइल के साथ बात कर रही है लॉलीपॉप है। मुझे पिछले 15 दिन से सौदा ही नहीं खरीद पा रहे, हर एक टाइम पे देखता है लॉलीपॉप है छोड़ देते, लॉलीपॉप है छोड़ देते, ट्रेडिंग नहीं हो पाती क्योंकि हर बार लॉलीपॉप समझ के छोड़ी जा रही है, तो बचने से घाटा नहीं हो रहा ना, घाटा नहीं हो रहा ना, तो फिर आप मुनाफा भी तो नहीं हो रहा, तो ऊर्जा का गार्ड तो गलत लगा रखा है आपने, आप तो मुनाफे के लिए खेल रहे हो, आप तो लॉस हो सकता है, ये ऊर्जा का गार्ड लगा के रखो तब शायद हो जाए। हमें जिंदगी में मुनाफा कभी नहीं चाहिए, हमें घाटा नहीं चाहिए, एक्चुअली ये है, अब हम घाटा ना हो की इच्छाएं करना शुरू करते हैं घाटा हो जाता है, एक्चुअली ये है कि हमारा शरीर और ठीक हो ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा शरीर बीमार ना हो ये कमाई है, हमारे जीवन में सुख आए, सुख दुख ना आए, दुख ना आए यही सुख है, ये गार्ड है, यही गार्ड है, यही ऊर्जा का गार्ड है, आपने वो तो लगाया नहीं, अब तो फिर कमाई के लिए ढूंढ रहे हो, कमाई क्यों चाहते हो, कमाई नहीं देखी, लेकिन लॉलीपॉप समझ के उस वक्त छोड़ दिया बस। आपने लेकिन शब्द बोला है, स्वादिष्ट ना होना है, कमाई देखी है आपने, अब ये खुद ढूंढो कैसे, ये ढूंढना है, पर इफ किंतु परंतु ये बट ये वर्ड लगाते ही स्वादिष्ट ना होना है, आपको मेरी बात समझ तो आ गई, लेकिन यानी समझ नहीं आई, ये कॉन्शियसनेस है शब्द निकाल के देती है स्वतः, ये अपने आप आता है, इस कारण से आपकी लैंग्वेज में आ रहा है, हमें ये सब तो जज करना है। मुझे बहुत लोग कहते हैं 5 मिनट में समझा दो जी, आप 5 मिनट में क्लास तो आपकी देख ली, 5 मिनट में समझा दो। और जो लॉलीपॉप एग्जिस्ट कर रहा है अभी, लॉलीपॉप भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, जिसकी वजह से एक एक्शन नहीं हो रहा, इन्होंने बोला लॉलीपॉप भी तो एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से एक्शन नहीं हो रहा, लॉलीपॉप जैसी कोई चीज होती ही नहीं, सारी अपॉर्चुनिटीज है, हमें कैश करनी नहीं आती, हर चीज, बंदे ऐसे है जो 1-1 करोड़ 1-1 दिन कमा रहे, सारी लॉलीपॉप है, उन्होंने लॉलीपॉप से ऊपर उठ गए, उन्हें 1 करोड़ रोज आता फर्क ही नहीं है, आपको फर्क पड़ रहा है, आपने 3 सांस ले ली इतनी देर में, कोई फर्क ही नहीं है, 4थी भी आ जाएगी, 10वीं भी आ जाएगी, अपने आप ही आ रही है, जिस चीज से हमें फर्क ही नहीं पड़ता मिलने पर वो आती ही रहती है। आपका छोटा बच्चा आता आपके पास, आपके आया चूम के चला गया, खेले कूदे आप भी खेले,
दस बार बीस बार के बाद, दस दिन के बाद जब वो आता है उसे पकड़ लेते हो, अब आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा आपके पास, पकड़ो मत, बहने दो, जीवन को बहने दो, सावन को आने दो, जब तक ये चलता रहेगा, आया सावन, आया सावन दो पैक के बाद झूम के, अपनी खोपड़ी से ये सब खाली करो, सहज रहो, सहज होगा ही वो जिसमें पेशेंस है, पेशेंस है मतलब भगवान पे, तो जो सहज है उसको बॉयफ्रेंड की जरूरत ही नहीं है, जो सहज है उसे बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है, जो सहज है उसके आसपास बॉयफ्रेंड ही बॉयफ्रेंड मंडराएंगे, क्योंकि मोगा में रहने वाली चौथी क्लास पढ़ी लड़की इतनी सहज है, उसको सहेली आती है, भाई कनाडा तो ज्यादा रिश्ता है तेरे लिए, कोई सपने नहीं है, कोई पता नहीं है, वो वैसी ही है, वो कनाडा चली जाती है सारी, यहाँ बैठी कई ऐसी होती है, मैं तो अमेरिका डिजर्व करती हूँ, मैं तो अमेरिका मतलब डिजर्व करती हूँ, वो सारी जिंदगी संघर्ष करती जा ही नहीं पाती, वो जब नेपाल चली जाती है, लो भैया उठा लो, वो जब नेपाल चली जाती है, आपका चाहना क्या है, आपका ऊर्जा का गार्ड कहाँ है, आपने यहाँ से कितना चाहा, कितना स्मूथली चाहा, कनाडा आपके लिए तैयार है। मेरे पास ऐसे कई बच्चे आते हैं जो कहते हैं जी कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, मैं कहता हूँ उनका चाहना थोड़ा चेंज करना है, मैं उन्हें कह देता हूँ नॉट पॉसिबल फॉर सो मेनी डेज, इतने दिन तो पॉसिबल ही नहीं, गांधी नगर नहीं जा पाएंगे, अमरीका हो हैं, हाँ ऐसा होता है, तो पहले वो ऊर्जा तोड़नी पड़ती है, फिर उनसे चार गाली खानी पड़ती है मन में, फिर वो देखते हैं तैयार हो गए, फिर वो सेट हो जाते हैं, फिर अलग अलग किस्म से उनको पहुंचाया जाता है, ये तरीका है। बहुत तेज चलती नाव को स्लो भी करना पड़ता है, हमारे जीवन में माइक्रोकॉस्म इतना सा विचार ही लाना है और उसका भजन नहीं करना, 20 बार बात नहीं करनी, इसमें विशेष ध्यान रखना है, किसी हालत में भी भगवान के पास जाके, किस अपने चॉइस के भगवान के पास जाके चार बार भजन नहीं करना, हे भगवान ने दे दे, यह है भगवान तूने दे दिया, दे देगा तो छीन लेगा, और मांगते रहोगे बार बार तो डिफेक्टेड देगा या देगा ही नहीं, इसलिए बार बार भजन मत करो, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, पीछे पड़े हुए यही वाली चाहिए, एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, नहीं मिल रही कोई बात नहीं, अक्सर जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे शादी ही नहीं होती, जिससे शादी होती उससे प्यार नहीं होता, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति में आपको 50% चाहना सिखाया ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं, आपने आत्मसात ही नहीं किया, आप पीछे पड़ जाते हो, दीवाने हो जाते हो, पागल, फिर लोग कहते हैं अच्छा वो जो लोग हैं जो कह रहे हैं अंधाधुन भाई साहब, हम तो लगे रहे 5 साल 10 साल लगे रहे, उन्हें 10 साल लगने की क्या जरूरत थी, वो मुंह से नहीं बोलेंगे कि 10 साल में मेरा यहाँ कचूमर निकला, मैं टूटा, 20 बार प्री लिविंग छूटी, फिर कहीं जाके हुआ। एलन मस्क का आखिरी शटल अंतरिक्ष में तब जा पाया जब उसके पास लास्ट शटल भेजने के पैसे थे और वो अंदर से टूट के बिखर चुका था, खत्म था, और आज दुनिया के अमीरों से अमीर आदमी में शुमार उसका नाम है, और उसके लिए कहा जाता है लगा रहा भाई, लगा नहीं रहा, वो प्रिपेयर हो गया, जिस दिन यहां से वो प्री लिविंग टूट गई, अनवॉन्टेड वॉन्ट छूट गई और उसने समर्पण कर दिया सहज, देखते हैं भाई वो स्पेस में पहुंच गया। हमारे जीवन का हर काम होगा ही तब जब हम सहज होंगे, जब हम सहज होंगे मींस ना ईश्वर से भीख मांगेंगे ना धन्यवाद देंगे, सहज। आपको सहज होने के लिए जो चीज मिलने पर आप सहजता नहीं खोएंगे समझो वो मिलेगी, अदरवाइज नहीं, और फूल बनो, सिर्फ खिलो, और फिर उसकी सस्टेनेंस भी उसके बाद की सहजता पे डिपेंड करती है, सस्टेनेंस भी उसकी सहजता पर है, उसके खबरें आते रहेंगे, पराग निकलता रहेगा, बॉयफ्रेंड बनते रहेंगे, गर्लफ्रेंड चलती रहे, कहा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में डिस्टर्ब करते हो तो आप, अच्छा नहीं वो बहू के साथ है, यस यू डिजर्व इट, डिजर्व इट सर, डिजर्व इट, आपके डंडे पड़ने के डर के कारण से बालक ने बीच में हमें रोक दिया, पर अगर जब बहू नहीं सो रही होगी तब बता देना मुझे, जब बहू नहीं सो रही होगी, जब सो रही होगी शब्द खराब हो चुके, इसके शब्द कीर्तन खराब हो चुके इस बच्चे के, कोई नहीं सुनाते हैं, बहन सो जा बहन, दीदी बहन मम्मी सो जाना, इसलिए आपके जीवन की यात्रा छोटे से बड़ी की ओर होती है, छोटे छोटे क्लेश मत पालो, सब मैनिफेस्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे सपने पालो, छोटे छोटे सपने सारे पूरे हो जाएंगे, बहुत बड़ी चीज को भी छोटा सा सपना समझो वो भी पूरा हो जाएगा, बहुत बड़ी बीमारी के लिए खूब रोन पिटल डाल लो, खूब प्रिलिव करो, सारी दुनिया में पोस्टर छापो, वो बीमारी गायब हो जाएगी, तैयार कर दो घर में सबके कि हाँ मरने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, इसलिए नहीं इसलिए वर्ड है बीच में, हमने क्लास की है क्यों, इसलिए किस लिए, अगर इसलिए आप सबको बता रहे हो कि मुझे कैंसर है बता दूंगा तो बच जाऊंगा, अब और बुरी तरह मरोगे, ये कॉन्ट्रडिक्ट भी बात होगी, इट शुड बी सहज स्वाभाविक, सिखाया आपने कि पोस्टर छापो तो वो चीज खत्म हो जाएगी, सहज होके
पोस्टर छापो सहज होके, सहज को नहीं समझे हम पोस्टर, तो इसीलिए छाप रहे हैं, तो इसीलिए बस ये क्लास आप दोबारा देख लो क्यों इसलिए किस लिए, ये भी दोबारा देख लो, ये जीवन का सिलेबस 5 क्लास 5 मिनट 5 सेकंड में नहीं आएगा, ये बहुत लंबा सिलेबस है। अभी तक मैं बकवास करने से बाज नहीं आया, दसियों साल हो गए रिकॉर्डिंग पे, 10 साल हो गए करते करते, तो 30 साल हो गए, अभी तक सिलेबस निकले जा रहा है। ये जीवन का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत विराट, विराट से भी विराट। जैसा हमारे अंदर सूक्ष्म क्वांटम लेवल पे है, वैसा ही हमारे शरीर में बाहर के लेवल पे है। आप खून की एक बूंद चेक करते हैं, पूरे शरीर का पता लग जाता है। कमाल की बात नहीं, जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, सब यही है, और जो ब्रह्मांड में घूम रहा है वो हमारे अंदर कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, जो हमारे सोलर सिस्टम में वो ब्रह्मांड में, वो मल्टीवर्स में, सब एक जैसा ही है। अहम ब्रह्मास्मि, उसका सूक्ष्म रूप, एक सूक्ष्म शरीर है हमारे पास, एक स्थूल शरीर है, सब सेम है। जहां डिस्टर्बेंस, अगर सूक्ष्म खराब हुआ स्थूल भी खराब हो जाएगा, वहीं से खराब होना शुरू हो जाएगा। ये सब ऊर्जा का खेल है, इसलिए हर चीज को नन्हा सा चाहो, नन्हा सा प्यार, नन्हा सा जिद, नन्ही से सपने, बहुत बड़ी बड़ी बातों का फायदा नहीं। जिद मनुष्य को तबाह कर देती है। हमारे जीवन के अंदर जितने लोग चीजों को जस्ब नहीं कर पाते, गले में फंसा के बैठ जाते हैं, पेट में अटका के बैठ जाते हैं, उनको बीमारी लगती है। आप एक छोटे से डायलॉग को समझ लीजिए, थर्ड आई से डायलॉग निकलता है और बॉडी उसे कर देती है। भाई साहब आपकी बात तो दिल में मेरे गांठ लगा के बैठ गई, मेरे दिल में तो फांस चुभ गई, मेरे दिल में तो आपने चोट मारी। या दिल पे चोट किसने मारी है? ये कॉन्शियसनेस का शब्द है, जो उसकी ऊर्जा है वो दिल में फंसी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उन सबके कोलेस्ट्रॉल बढ़े होते हैं, साथ बैठो एक घंटा किसी थेरेपिस्ट के साथ, वो मुंह से निकाल के देंगे, मेरे मन में उससे गांठें पड़ी हुई हैं, मेरे चचिया ससुर के साथ पंगे हुए पड़े, मेरी देवरानी ऐसी थी, जेठानी ने वो खा लिया, वो गांठे हैं, वो गांठे निकालो, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। बढ़िया खाते हो फिर भी है, लोगों को किडनियां फेल है, यूरिनरी डिसऑर्डर्स है, कब्ज चल रही है, आप बात ही नहीं छोड़ते, शरीर पॉटी नहीं छोड़ता, शरीर मल को नहीं त्यागता, क्योंकि आपसे बातें नहीं, शब्द क्या निकलता है, आपकी बात हजम नहीं हुई यार। भाई साहब सीने में कटार सी लगी आपकी बात, कहां से लगी यार, बात कहां से लगी, ये ऊर्जा है। और इधर के थॉट में चूंकि थर्ड आई ने ये बुलवाया है, इसीलिए ही आपके लिवर खराब है, किडनी खराब है। सर एक एक्सट्रीम तो ये है कि मुझसे पूछने वाले अक्सर पूछते कैसे हो, मैं कहता हूं जिंदा, वो कहते हैं रॉन्ग आंसर राइट आंसर, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या आंसर है, पर साला कौन माथा मारे कहीं से ने लेक्चर देना शुरू कर दिया तो 2 घंटे से पहले तो चुप नहीं होता, कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, खत्म करो खत्म करो। ये थर्ड आई के लिए कमांड है, जिंदा, सब जिंदा रहेगा। अब लोग क्या करते हैं, भाई साहब क्या बताऊं आपको, मेरे तो सीने में जलन होती है, आंखों में तूफान सा रहता है, पता नहीं हर वक्त ये इंसान परेशान सा क्यों रहता है। ये सब कमांड्स चल रही हैं और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपसे सब पूछते हैं और भाई साहब भाभी जी कैसे हैं, और यार मैं क्या बताऊं, मन तो करता है चुड़ैल का गला घोट दूं, तो ठीक ही है, आपने अभी अभी उसे चुड़ैल बनाया, वो आपके साथ चुड़ैल रही। आपने कभी बोला देवी है यार कितना कुछ सुख देती है, जो मैं काउंट नहीं करता, मैं मूर्ख उसकी वजह से पल रहा हूं पूछ रहा हूं, वो देवी है, उल्टा हो सकता है मैं ही उसे 4 जगह धोखा देता हूंगा, नेवर। ये कमांड्स हैं, आप ये बोलो वो देवी ही बनी रहेगी, इसलिए पत्नी के अंदर से देवी बन करे, घर जाके उसकी तारीफें करे, लगा फोन करे, पोस्टर ही छाप दे, फिर देखो भाई साहब क्या सेव है, जितने लोग ऐश चाहते हैं इतना बड़ा पैग लेके आएगी तुम्हारे लिए, ये लो स्वामी बेहोश होने तक पियो मदिरा। पॉइंट समझने का क्या है, जो कुछ हो रहा है वो हमने यहाँ डेवलप किया है, इसीलिए वो हो रहा है, इसलिए हो रहा है के लिए मत रो, बाकी इसके लिए अपनी मानसिकता स्वच्छ रखें और हर हालत में पेशेंस और सहजता, इसको जाने। इस पे एक बार अलग से और हम डिटेलिंग कर लेंगे, ये बहुत छोटा सा हमने सूक्ष्म आइडिया लिया है आज, इसकी डिटेलिंग फिर देखेंगे, क्योंकि बहुत हैवी चीज है। अपने थॉट्स को कहाँ रोक दें, कितना ग्राम बनाएं, इस पे क्लास करेंगे, कभी देखते हैं, मतलब ना ही करें तो अच्छा, क्योंकि मुझे भी एक्चुअली आती नहीं है, तो मुझे डिस्टर्ब ना करें, बोल के नंबर बना रहा हूँ अपने। हाँ जी, जो लोग सर क्लास एक खत्म करते हैं कुछ कार्य जैसे पैशन के अंदर करते हैं लग्जरी, उनको मिल जाता है। हाँ, जो लोग अज्ञानता में, अज्ञानता वर्ड बोला है, इनोसेंस में, इनोसेंस में पैशन वश कर लेते हैं, उनको मिल जाता है। यस, पीछे पड़े हुए हैं लेकिन इनोसेंट है, लगे हुए भाई, लगे हुए अपन, लगे हुए स्टूपिड पीपल, आपको स्टूपिड होना पड़ेगा। अर्जुन को स्टूपिड होना पड़ा, कृष्ण के आगे छोड़ देना पड़ा, उस कृष्ण के आगे जो खुद अपने आप अस्त्र शस्त्र उठा रहे गए राजी नहीं। अर्जुन से बड़ा बेवकूफ कोई हो सकता है? अर्जुन से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे बेवकूफ हम बन सकते हैं, कितने बनेंगे? कृष्ण से बड़ा
कृष्ण से बड़ा थकी हुई बातें करने वाला कोई हो सकता है? हम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, पर हम में से एक नहीं जिसमें हिम्मत है करने की। तो एक ही तो कृष्ण हुआ, इसीलिए एक ही तो अर्जुन हुआ, कोई और करके तो दिखाए, फॉलो करके तो दिखाए। आज आप अपने बच्चे को बोलोगे बेटा चल मेरे साथ, पापा कहाँ जाना है? वाइफ को बोलो मैं लेट आऊंगा थोड़ा, कहाँ जा रहे हो? पहले उनको इन्फॉर्मेशन दो। कैसे पता? बिना इन्फॉर्म्ड चलो आपको ईश्वर चलाएगा। इसके ऊपर क्लास क्यों हमने पता नहीं? जब भी कोई ऐसी बात हो अपना पता नहीं ऑन रखो, पता नहीं यार कहाँ जा रहे, चले तो है जाने के लिए पता नहीं। कृष्ण बैकडोर ले लेगा, वो लेके चलेगा आपका रथ। इस सबके प्रैक्टिस करो जी। प्रश्न था आपका कोई? किसका था लास्ट? दी एंड। तो फिर मैं निकलूं? हाँ जी। एज ग्रुप 6 साल का है जी, ब्रेन से 9 साल का है, शरीर से 4 साल का है, ग्रोथ नहीं है। ब्रेन से 9 साल का है, शरीर से 4 साल का है, 6 साल का, और एज ग्रुप 6 है और शरीर 4 साल का है, 4 साल और उम्र 6 साल है। एज ग्रुप 6 साल है, 4 साल की, दो भी नहीं, 6 और 4, ये आप सही हो। एक बच्चे का बताया उन्होंने जिसकी एज थोड़ा लंबा चला जाएगा, बोलो बोर मुझे क्या है? शॉर्टकट मार दो सर, ये तो मैं खुद में एहसान करूंगा, नहीं तो 2 घंटे दिख रहे हैं मुझे इसमें, क्योंकि सत्यवान एक वार्निंग दे चुका है। एक बच्चा है जिसका ब्रेन बहुत शार्प है, उसकी एज 6 साल होनी चाहिए लेकिन शरीर 4 साल का है, छोटा है। इसके लिए आप समझेंगे कि हमारे पास भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए हैं, साइंस ने हमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दिया है, शास्त्रों ने हमें सतोगुण तमोगुण और रजोगुण दिया है। रजोगुण हमारा शरीर है, तमोगुण हमारा मन है, और सतोगुण हमारा विवेक है, बैलेंसिंग। उस बच्चे का जो शरीर है उसका शरीर 6 साल की एज ग्रुप का होना चाहिए, रजोगुण उसके शरीर का कम है, यानी शरीर का भोग डाउन हो गया, भोग डाउन। तमोगुण मन की स्थिति, बुद्धि का विकास शरीर सतोगुण के साथ ही बहुत स्ट्रांग है, बिग ब्रेन, 9 साल की बुद्धि जैसा काम करता है तमोगुण मन, जो शरीर को 4 साल का बनाए बैठा है। कितनी चीजें अप डाउन है, इनर्शिया बहुत ज्यादा है, इनर्शिया मींस रोकने वाला, ये रोकना, इसके साथ रोकथाम बहुत हुई है। इस बच्चे को प्रॉब्लम है माँ के वोम्ब से, गर्भ के समय आप इसकी माँ, गुरु जी धन हो गए हम तो, हाँ क्लियर हो गई सारी बात, ये गर्भ काल के समय की परेशान माँ का बच्चा है, ठीक है। इसकी करेक्शन के लिए वो अलग से मिलेंगे, बता दूंगा, क्योंकि वोम्ब में इसका विकास पूरा नहीं हुआ, तो इसकी करेक्शन के लिए एक लंबी बात है, वो हम अलग कर लेंगे। एक छोटा सा बात है, जो आपने फिक्स लिखा था 12% गुना लाइफ इज फिक्स्ड और छोड़ दो, लेकिन वही है कि हमें नहीं पता क्या फिक्स है और हमें उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बट एवरीथिंग इज फिक्स्ड, राइट? एवरीथिंग वी कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट, we can, you we nobody can change, anybody somebody can change it, yes, और काम हमारा दुकान ही इस पे चल लिया, हम कर क्या रहे हैं यार, हमारा काम यही है, मियां 12 का 12 छोड़ देते हैं, बाकी चेंज करते हैं, यही तो खेल है सारा। और जब 72 उस पे भारी पड़ता है, 12 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नमक ज्यादा है दाल में, हम दाल नहीं चेंज कर सकते, नमक चेंज नहीं कर सकते, हम पानी डलवाएंगे, तड़का दोबारा लगाएंगे, कहेंगे वाह क्वांटिटी भी बढ़ गई, स्वाद भी ठीक हो गया, क्या बदला? पता नहीं यार क्या बदला, कुछ बदला भी नहीं, ये बदलता है। 12 इस फिक्स, 12 कभी नहीं बदलेगा जीवन में। इसके साथ हमारी जो समस्या है वो पूंजी की है, जो इस बच्चे के केस की आई है। हम अपने जीवन में अपनी पूंजी धन को समझते हैं, बड़े भारी मूर्ख है। प्रेम एक महान पूंजी है, स्त्री और पुरुष का मन नहीं मिल पाता, शरीर मिल जाता है, ये दोष हो जाते हैं। तो सर अगर क्योंकि संभोग उनके जीवन का प्रेम की नींव है, मन का मिलना नहीं है, ये उस कारण से समस्या है सर। गुरु जी, हाँ जी, संभोग है जो आनंद है या क्रिया है? बड़े क्या गहरी बात है ये। संभोग सेक्स एक आनंद है या क्रिया है? संभोग शरीर की क्रिया है जिसके द्वारा मुन्ना थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ होता है, उसके स्विच ऑफ होने से दुख हटने से सुखी सुखवान हो गया, कूड़ा घर में हटने से फर्श वापस साफ आ गया, वो आनंद महसूस होता है टेम्परेरी, उसे हम एक्सटेसी कहते हैं, उसे हम संभोग का आनंद कहते हैं, स्खलन कहते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर का है। आप मेरे साथ मिले, बढ़िया खाया पिया, ताश खेले, गप्पे मारी, वो भी आनंद है, कोई संभोग नहीं है, कोई सेक्स नहीं है, लेकिन आनंद है। पुरुष और स्त्री में आकर्षण हुआ, मिले जुले, शरीर ने संभोग किया, उस समय खोपड़ी माइक्रोकॉजम छोटे में उनके मन में विचार क्या है, वही बच्चा बनता है। स्त्री का एग वो वाला स्पर्म चूज करता है जिस स्पर्म के लायक बुद्धि उस स्त्री की उस समय पुरुष को ग्रहण करने की है।
स्त्री संभोग में है पुरुष से, लेकिन पुरुष के साथ संभोग में प्रेम से लिप्त कृष्ण पैदा होगा, आनंद से लिप्त है शायद बुद्ध पैदा हो जाए, क्लेश से लिप्त है टेढ़ा मेढ़ा बच्चा पैदा हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोकॉसम यहीं से थॉट शुरू हुआ है। इसलिए संभोग बड़े प्रेम से होना चाहिए। आतंकवादी बच्चे पैदा तब होते हैं जब जंगली सेक्स होता है, कोई परवाह नहीं, कोई प्रेम नहीं, बच्चे भी माँ को छोड़ के भाग जाते हैं दफाओ सारे। बच्चे में प्रेम है मीन्स बड़े प्रेम से संभोग हुआ है, ये माइक्रोकॉस्म है, हमारी शुरुआत यहां से होती है। संभोग पुरुष और स्त्री का पारस्परिक मिलन, स्पर्म और एक का जुड़ाव, एक नया जीव, नई बुद्धि। आप नए नए जॉब पे गए, कैसे गए? मोदी जी हमारे जॉब पर गए, माथा लगा दिया उन्होंने, अपने ऑफिस को माथा लगा दिया, हमें ऑफिस चाहिए, ऑफिस को भी ऐसे ही बंदा चाहिए, वो फिर चुन गए, फिर आ जाएंगे। आपने अपने घर में घर को सम्मान दिया, घर को भी आप चाहिए, घर की ऊर्जा कहेगी इसको खाले को वापस ला। आप अपने घर में कह रहे हो यार इस घर से मैं दुखी हो चुका हूं, इस घर से दुखी हो चुका हूं, घर पीट पीट के रखेगा आपको, या घर से बेघर हो जाओगे, नहीं तो कर्जे में फंसोगे, किराए पे रहोगे, धक्के खाओगे। आप प्रेम दे रहे हो, प्रेम जिसको दिया है वो बार बार बुलाएगा आपको, यार इधर को आना, तू तो मुझे भी चाहिए। अपने जॉब का सम्मान करो, पत्नी का सम्मान, पति का सम्मान, ये सम्मान नहीं मिलते। सर इसमें ये केस में बैलेंसिंग कैसे करेगा? सत क्या तम और रज के बैलेंसिंग कर सकता है? ऐसे ऐसी सिचुएशन में क्या हमेशा मन डाउन ही रहेगा? ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसको अगले हफ्ते ले लो। हाँ सर, ये बहुत लंबा है क्योंकि हमारी पूंजी है, एक में शिव ऑन है न्यूट्रॉन, एक में प्रोटॉन ऑन है, एक में इलेक्ट्रॉन, पर ये अंदर एक में एनर्जी कैसे ट्रांसफर करेंगे? स्वयं स्वयं के पास काम है सारा, ये इलेक्ट्रॉन जो है। बच्चे का स्वयं कैसे होगा? मुझे रोक दो साथियों। सर बच्चे का स्वयं तो कोई और ही काम करेगा ना, उसको क्या पता? यस, इसके लिए बच्चे के स्वयं कौन करने के लिए गुरु चाहिए, माता पिता के पितरों का आशीर्वाद चाहिए। पितर बता दू। हाँ सर, इसमें मतलब लंबा हो रहा है काफी, वैसे ये ऐसे ही रहेगा हमेशा, मतलब कहने का जैसे स्टीफन हॉकिंग है सर, मरियल सा बता रहा हूं, मरियल सर, स्टीफन हॉकिंग है, उसका ब्रेन तो ज्यादा ही था हमेशा, ओनली मरियल अलाउड। बहुत लंबा हो जाएगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा। देखो एक चीज याद रखो, छोटा सा बिल्कुल सूक्ष्म, ये हमारा डीएनए है, 1 2 3 4 टुकड़ों में ये ऐसे डीएनए इसमें चल रहा है, और एक हिस्सा मेरा है, 3 हिस्से पितरों के हैं। आपका ब्रेन का एक सोया हुआ हिस्सा होता है, आप माथा मार रहे हो रास्ता नहीं मिल रहा, ऐसे करूं वैसे करूं कैसे करूं, ये ऑन है, मुन्ना ने इस जन्म में नहीं देना, ये अनंत ज्ञान है। आपने पितरों पे छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया अगली क्लास में कर लेंगे। हमने पितरों पे छोड़ दिया, पितरों पे छोड़ा, जैसे ही छोड़ा आप यूं बैठे हो पड़े हो, 3 हिस्से डीएनए ऑन होता है, अचानक से विचार आता है, ऐसा करते हैं यार, कहां से आया? ये सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ डीएनए है, जिसके पास अथाह ज्ञान है, उसके सारी नॉलेज है, ये ऑन हो जाता है, ये रास्ता बताता है, यहां से रास्ता लेते हैं। इसकी डिटेलिंग हम फिर कभी करेंगे जी, बहुत लंबा जाएगा। एक आखिरी चीज पर, एक और आखिरी, तो फिर पोछा लगा ना थोड़ी देर। नाभि सेट कर दी, नाभि के साधन के लिए आपने नहीं बताया कि भी वो साधन कहां से कैसे, अब सहज हो गए तो फिर नाभियां कैसे सेट करें? प्यारी बातें करें, नाभि सेट कर दी, भोजन तृप्त कर लिया, अब उसके लिए साधन कहां से लाए? सहज अगर हो तो भीख मांग लो, कितना सिंपल है, आप भीख मांगो, यहां भीख मांगो तो सही, मांगने नहीं देगा, प्रीलिप हो गई, अपने आप चल के आएगा। आप इसके लिए तैयार रहो भाई, भीख मांग लेंगे तो भगवान कभी भीख नहीं मांगने देगा आपको, कि भीख कभी नहीं मांगेगा, तेरा भाई झुकेगा नहीं, आप झुकना ही पड़ेगा। सेकंड पार्ट अभी बाकी है, सेकंड पार्ट अभी बाकी है। हाँ जी, एक लास्ट सवाल, ये कह रहे हैं जिस घर को अपना लेते हैं उसमें वास्तु की कमी तो नहीं होती, वो आप चेक कराओ उससे जिसे पता है वास्तु का, अगर वास्तु दोष है और घर को आपने अपना लिया, अगर वास्तु दोष है तो घर को जो अपना लिया, घर अपने हिसाब की बलि लेके बाकी रहने देगा, वो अपने हिसाब की बलि ले लेगा और रहने देगा। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत क्षमा, बहुत समय लिया, सोने नहीं दिया कई लोगों को इंटरनेशनली, बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा। आया करो, सीखोगे अकल के घोड़े कहाँ से सुधरेंगे। इनका म्यूट तो ऑफ कर दो, सब म्यूट पे है क्या? नहीं ऑफ है। अरे बस
लवली अजी बल्ले बल्ले पार्टी लगा दी। ओके अरे नहीं बात अच्छे ठीक लग रहे हो बढ़िया हो गया। अरे बोलना तो कोई बात नहीं, शुगर वगैरह चेक कराओ अपना, शुगर का पंगा होता है ज्यादा। ठीक है मेरे माथे माथे है जी, बेचिंता करेंगे उसकी भली कर दो आप करता हूँ, मुझे याद दिला दिया करो, मेरे पास रश इतना होता है बिल्कुल बार बार, बिल्कुल बार बार याद, कोई दिक्कत नहीं, बस समय आएगा हो जाएगा। ये जो बात कही है ना, मैं तो वैसे भी कायल था। प्रसन्न रहो, आनंद करो, चिंता ही करेंगे, उस बच्ची का नहीं करूंगा, करता याद दिलाना मुझे। उसको तो चेक कराना।